नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा और इस वक्त बड़ी खबर पलवल से आ रही है। बीजेपी के विधायक के गांव में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बच्ची की आंखें निकालकर की निर्मम हत्या। गांव पेंगलतू के समीप जवार के खेतों में नग्न अवस्था में मिला बच्ची का शव। मृतका बच्ची गूंगी थी और बहरी भी। सोमवार की दोपहर से ही घर से लापता थी बच्ची। जब बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे होडल थाने, तो वहां से पुलिस ने परिजनों को धमकाकर भगाया। राजनीतिक व्यक्ति का फोन पहुंचने पर ही पुलिस ने ली शिकायत। क्या नाम है जी आपका? अमीचंद। अमीचंद जी, ये बताए कि जो आपके गांव में ये बच्ची की घटना हुई है, क्या मामला है? ये रात भर वो कल से गुम थी ये लड़की जी। अच्छा। खूब ढूंढी बेचारा उन्हें। हाँ। मतलब शाम रात को 8 बजे करीब पता लगा। हाँ। फिर मैंने भैया इनसे कहा सुबह रिपोर्ट करो तुम सबसे पहले, तो जब वो ढूंढो जहाँ भी मिले। तो ये बेचारे रिपोर्ट को गए सुबह, वो कोई महेंद्र एसआई गई है जी, उसने उसने इनकी कोई कार्रवाई नहीं की, उनसे गाली गलौच भी धमका के भगा दिए जी। फिर इन्होंने सुशील के पास फोन किया, पता नहीं लगा, रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं जी। फिर उसके बाद में 1-2 घंटे बाद में पता नहीं लगा, जब यह असलियत में लड़की जब यहाँ मिली है ना, उसके बाद में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो अब क्या हुआ बच्ची के साथ में? मान लें वो उसकी आंखें फोड़ दी, अभी देखी हमने जी। हाँ। और रेप भी हुआ होगा उसके साथ, रेप भी, बलात्कार भी हुआ जी। हाँ जी। तो अब मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? देखो जी, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए जी, और सब और दोषी तुरंत पकड़ना चाहिए, अपराधी पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब भाई बच्ची गूंगी बहरी है? हाँ जी बहरी है। बताओ बच्ची गूंगी भी है? गूंगी गई है जी बेचारी, गूंगी बहरी है। सबसे ज्यादा ये जो गाँव है, किसका गाँव है ये? पेंगलतू जगदीश। गौरतलब है कि पुलिस ने गांव पेंगलतू निवासी 4th कक्षा की छात्रा का गांव के निकट जवार के खेतों से शव बरामद किया है। 10 वर्षीय बच्ची सोमवार दोपहर से ही लापता थी। बच्ची के परिजन इस मामले में थाना पुलिस को शिकायत देने भी गए थे, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के आदेश पर पुलिसकर्मी महेंद्र को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्या नाम है जी आपका? विनोद नाम है जी। विनोद जी, ये बताइए कि जो यहाँ पर घटना हुई है बच्ची के साथ में, क्या मामला है बच्ची का? बच्ची जी कुछ मामला नहीं है जी, हमारी लड़की जी बेहतली थी, दिमाग से कमजोर थी, गूंगी थी, कोई भी उसे रुपया 2 रुपया दे। कल हमारी दादी जी बन तोड़ने गई थी, तो दादी जी की हमारी की वे आई थी तो भाभी, तो घर पे करीबन 2:30 बजे सीख वे पहुंची है, तो हमारी लड़की बल अम्मा में अम्मा बुला लाऊँ ये बात थी जी। उसके बाद ये निकल गई है, तो हमारी जो चाची है, चाची भी ही गूंगी है जी, तो हम उसकी भाषा नहीं समझे। जब हमारी चाची चक्कर लगा रही है गांव के और पास, जब हमने मैं क्या होगा बल्ले से बात है चोची मैंने कहा मैं ज्योति मैं हाँ खोगी है भला, अच्छा जब हमने ये और पास ढूंढा खकोरी मचाई है जी कल जी उसके बाद पूरी 1 बजे ताई, उसके बाद हम थक गए बैठ गए हैं जी। सवेरे हम 5 बजे ते ही फिर चल दिए हैं जी, सारे गांव में इतवित के अड़ोसी पड़ोसी जंगल में सब रहे, कोई पता नहीं लगा जी हमारी लड़की का। हम हार के जी अब थाने गए हैं जी, फिर सुबह 9 बजे करीबन थाने गए हैं जी। कौन सा थाने? होडल थाना जी हमारा, होडल थाना। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन बनवाई है टाइप वाले पे, वहाँ हमें महेंद्र मिला जी बैठा, वे महेंद्र ने देख के खाली भीतर चला गया, उसने हमसे कोई बात नहीं की है। फिर हम आप सही में बतरा रहे थे काफी देर होगी, फिर महेंद्र बाहर निकला है, महेंद्र ने बोला है तो पुलिस वाला आज महेंद्र बताए करो ना पुलिस वाला। उसने बोला पर कहां से आ जाते हैं मूड खराब कर, ये बात है और वो बात है, उसने 6 बात बनाई थी, गाली वाली दी थी हमको, हम जी कुछ नहीं किया, हमने बाबूजी रखी है। उसके बाद फिर निकले हुआ उसने हम पे थे एंट सी में कागज ले लिए जो दी थी। हाँ दरखास्त दी थी, वे दरखास्त ले तो ली नहीं, उस पर कोई मोहर मारी है नहीं कुछ मारा, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम वहाँ से चले आए, मतलब बच्ची का मुकदमा दर्ज कुछ नहीं हुआ जी, बच्ची का भी नहीं किया नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ जी। उसके बाद फिर हम घर आए, हमने तुम्बार पे किसी पे फोन करवाया है, हल्की सी कर उन पे फोन करवाया, उसके बाद हम फिर उसने फोन किया हमारे पास, बल आ जाओ जी अपनी दरखास्त ले जाओ। जब दोबारा में उसने हमें दरखास्त दी है, महेंद्र ने फिर भी नहीं दी है, महेंद्र ने नहीं लिया, फिर भी कोई तुम और कोई किसी ने दूसरे ने दिया, महेंद्र फिर भी ऐंठ में ही बोल रहा हमसे। तो अब क्या हुआ है? अब हमारी लड़की लाश मिली है यहाँ जी,
ये ज्वार में जी मेढे से दो कदम पीछे। अच्छा, कोई लेडीज हमारी जी लेटरिंग करने जा रही थी जी, तो उसे दिखा था यहाँ। बोलिए क्या हुआ? बच्ची की कितनी उम्र? बच्ची की 10 साल, 10 साल नहीं, 10 साल 4 महीने की है जी लड़की, आधार कार्ड में। अच्छा, हमारी लड़की जब हम देखने आए जी, दोनों आंख फूटी हुए हैं लड़की की, लड़की की, लड़की की बलात्कार हुआ हमारी लड़की के साथ। हमें न्याय चाहिए जी इस बात का जी। हम तो मतलब पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस यहाँ 1.5 घंटे में 2 घंटे ले लिए जी, फिर भी पुलिस नहीं उठी जी। अच्छा, हाँ जी, हमारे कहने तो फिर भी नहीं आई है जी, फिर भी किसी और नहीं बुलाई है, जबरदस्ती जब उठी है, जब इसमें डंडा हुआ 100 नंबर पे फोन किया। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं जी, दोषी का सजा चाहते हैं जी, फांसी, फांसी चाहिए जी। मतलब क्या? मतलब बच्ची की दोनों आंखें निकली हुई? हाँ जी, दोनों आंखें निकली हुई है, चेंटा लगे हुए हैं आंखों पे। पुलिस के कार्रवाई भी होनी चाहिए जी महेंद्र पे जी, जो आज हमारी गरीब की सुनवाई नहीं है रही है जी। महेंद्र साथ पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बच्ची लापता का मामला दर्ज किया था, जिसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।